नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयति मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा एक घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर से दूसरे की तरफ जा रहा सीमेंट के कट्टू से भरा ट्रेलर पलटा, गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सड़क पर सीमेंट के कट्टे रोड पर बिखर गए। सूचना पर बसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टू को हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। खितड़ी में बबाई थाना के नौरंगपुरा गांव में शत्रुशित शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुढ़ के बालाजी के मंदिर के पास तिबारे में शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर के बहरोड के रहने वाले सीआरपीएफ के एएसआई धर्मवीर यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचाया। तिरंगे में लिपटे हुए शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया। उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। झुंझुनू में नर्सिंग कर्मियों में बीजीके अस्पताल में धरना प्रदर्शन उनका रहा। 11 सूत्री मांगों पर समिति जिला संयोजक के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने धरना प्रदर्शन में शिरकत की। सरकार पर नर्सिंग कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया। खेतड़ी नगर के आवासीय क्वार्टर में 10 दिन पहले हुए डबल मर्डर के खुलासे करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिंगाना बोहाना और सूरजगढ़ कस्बे के कुंभाराम लिफ्ट योजना की जोड़ने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समाज से भी नौरंगराम डांगे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग और कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा के 15वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में शामिल हुए। लोसल के निकटवर्ती श्री हरिदास बाबा गौशाला परेवड़ी में सावन मास की सुमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर गौ माता को 17 क्विंटल हरी घास डाली गई और गौशाला का अवलोकन किया गया। परमहंस ग्रुप सीकर राजस्थान के अध्यक्ष और लोसल व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार शेषमा की ओर से अवलोकन किया गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गोपालपुरा गांव निवासी एक विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मामले को लेकर मृतका के पीहर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर की एक अदालत ने मुंडावर थाना क्षेत्र के मामचंद हत्याकांड मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 14,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को भर्ती नहीं करने का मामला सामने आया, जहां पर बुजुर्ग महिला के बेटे ने परेशान होकर अपनी मां को साथ लिया और अस्पताल के बाहर रोड पर लेटकर जाम लगा दिया। जाम करीब आधा घंटे तक लगा रहा। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। अलवर ईसीबी न्यायालय ने रिश्वतखोर पटवारी को 3 साल की सजा और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि परिवादी रामलाल ईसीबी कार्यालय में आकर शिकायत दी थी। अलवर में भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार बगड़ी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसके अलावा नहीं सहेगा राजस्थान के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव भी मौजूद रहे। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने नाबालिग अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपी को सौंक से गिरफ्तार किया। अरावली विहार थाना पुलिस ने नाबालिग अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने के आरोप में इस युवक को गिरफ्तार किया। रामगढ़ तहसील में जमादार के पद पर कार्यरत पदमचंद यादव निवासी चोरोटी इस्तमुरार के साथ शातिर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। एटीएम बूथ से पैसे निकलवाने गए जमादार का एटीएम कार्ड बदलकर खाते को खाली कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नसवारी गांव में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताया। विद्यालय की दीवारों में आ रही बड़ी दरारों पर ठेकेदार की मनमानी से लेंटर डालने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अलवर के विजयनगर मैदान में हो रही शिव महापुराण कथा सुनने गई महिला का पैर कीचड़ में स्लिप होने के चलते पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार अभी महिला का जारी है।
जयपुर के अजमेर रोड स्थित प्रजी विहार पार्क में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सौरान सानिवासी मोनिका शर्मा ने बताया कि समस्या के बारे में प्रशासन को कई दफा अवगत करवा दिया, परंतु अब तक जिम्मेदार अधिकारी पार्क की सुध नहीं ले रहे। जयपुर के सांभर में जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन भोलेनाथ की भव्य झांकी सजाई गई, जहां शीश पर गंगा के रूप में सजी झांकी के दर्शन कर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ में महाआरती का आयोजन किया गया। जयपुर के सांभर में देवयानी सरोवर पर हरियाली अमावस्या का मेला आयोजित हुआ। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थ के मंदिरों में झूला महोत्सव शुरू हुआ, साथ ही भगवान को झूले में बिठाया गया और पूरे दिन भक्त वहां पर पहुंचते रहे। जयपुर के सांभर में पहली बार भगवा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शिवजी राम कुमावत ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर में कलेक्ट्रेट के सामने विभिन्न मांगों को लेकर पटवार संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। पटवार संघ के धरने में काफी संख्या में पटवारी शामिल हुए। इस दौरान मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। जयपुर में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने वुशु एकेडमी पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय किया और खेल के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कटारिया ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खेलों को लेकर सजग है और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जिससे कि खिलाड़ियों का उद्धार हो सके। सीकर के नए जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व खाट श्याम जी के दरबार में दर्शन किए। मंदिर कमेटी अध्यक्ष और अधिकारियों ने श्याम प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। झुंझुनू के क्यामसर में निशुल्क बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल द्वारा शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान राजेंद्र भांबू ने कहा कि बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था समाज की जरूरत है। तो चलिए अब रुख करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। शेरगढ़ क्षेत्र के साइंद्रा गांव में पानी की विकट समस्या को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकृत किए 2 नए नलकूप। ऐसे में शेरगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला भाजपा महामंत्री जसवंत सिंह इंद्रा ने गत दिनों क्षेत्र का दौरा कर समस्या जानी और ग्रामीणों ने गजेंद्र सिंह शेखावत और जसवंत सिंह इंद्रा का आभार जताया। शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। उपखंड क्षेत्र में एकमात्र साइंस कॉमर्स और एग्रीकल्चर विषय का विद्यालय है और उसमें भी शिक्षकों के सभी पद रिक्त हैं। ग्रामीणों की ओर से शिक्षकों की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। जैसलमेर के फलसून में 58 वर्षीय विकलांग महिला टांके में पशुओं को पानी पिलाते समय पानी से भरे टांके में जाकर रही। ऐसे में परिजनों ने देखा तो तुरंत टांके से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जोधपुर के तिवरी में पीपी चौधरी के नेतृत्व में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसलमेर के परचा बावड़ी में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आए लाखों श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सामान्य भिन्न गायों दिखाकर भक्तों से आस्था के नाम पर ठगी की जा रही है। पुलिस ने पहुंचकर गायों की भिक्षावृत्ति करवा रहे लोगों को मुक्त करवाया। जोधपुर के फलौदी में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का भव्य स्वागत हुआ, जहाँ सैन बगीची धुलावाला में समाज के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ को बजट सत्र में नगरपालिका बनाने की घोषणा हुई, पर स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका की अधिसूचना जारी की, जिससे कस्बे में खुशी की लहर है। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम गहलोत और विधायक मीना कंवर राठौड़ का आभार जताया। फलौदी में गत 10 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द घोटाले की जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि जांच संपूर्ण होकर रिपोर्ट सौंपने पर ही धरना समाप्त किया जाएगा। जैसलमेर के रामदेवरा में अवैध शराब का परिवहन करने और बेचने वालों के खिलाफ एसपी के निर्देशन में कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध 121 पेटी देशी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया और पूछताछ में जुट गई। चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह का सूरतगढ़ दौरा स्थगित, 22 जुलाई को सूरतगढ़ आने का था कार्यक्रम। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का युवा 26 से 28 जुलाई को महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। बेहतर भारत की बुनियाद थीम को लेकर महाधिवेशन का होगा आयोजन।
बीकानेर शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से शहर की सड़कों पर पानी लबालब हो गया। दिन में उमस के बाद में दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और काले बादल आसमान में छा गए। सूरतगढ़ में पूर्व में मिले दो जिंदा बम का सेना के बम निरोधक दस्ते ने निस्तारण किया, जहां सेना के मेजर नवदीप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीमों ने दोनों बमों को गहरे गड्ढे में दबाकर डिफ्यूज करवाया। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट के बाद हवा में धूल का गुबार फैल गया। श्रीगंगानगर में रेलवे ZRUCC के सदस्य मुकेश गोदारा ने भाजपा के मंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर फीडबैक भी दिया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ निवासी रामदेवी बाबरी ने ICC के प्रदेश सचिव उन्हें नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रदेश सचिव बनाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष और CM गहलोत का उन्होंने आभार जताया। श्रीगंगानगर में महान क्रांतिकारी अरुणा आसिफ अली की जयंती पर मुस्लिम समाज द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस दौरान कई लोग मौजूद रहे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीगंगानगर में आगामी 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियां जारी हैं। भाजपा नेता संजय मुंडा ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में महासम्मेलन में जुटने की अपील की। इस दौरान हजारों की संख्या में किसानों को आमंत्रित किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में छात्र संगठन NSUI की ओर से उपखंड कार्यालय को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं जोधपुर में कथित छात्र नेता पर नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोप में फांसी की मांग की गई। श्रीगंगानगर के जैतसर के पास से गुजर रही अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर का पानी 5 GBJ तक पुल को पार कर 22 GBJ गांव तक पहुंच गया। नदी में पानी आने के बाद किसानों के द्वारा धान की फसल में पानी दिया गया। नदी नियंत्रण कक्ष के अधिकारी बहाव क्षेत्र की निगरानी में जुटे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने कलेक्टर और जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर बधाई दी। वहीं राजनीतिक चर्चा करते हुए रायसिंह नगर आने का निमंत्रण भी दिया गया। चूरू में खेत पर काम करने गए किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खेत के पास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची भालेरी पुलिस और परिजनों ने शव फंदे से उतरवाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मोर्चरी में पहुंचाया। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर का सिबलवाड़ा CHC में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान है, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में जैन संत आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में सर्व समाज और जैन समाज में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ उपखंड पर जैन बोल्डिंग में चतुर्मास में ससंग विराजित दिगंबर जैनाचार्य सुंदर सागर महाराज ने अपने प्रांतकालीन प्रवचनों से धर्म सभा को संबोधित किया। इस सांसारिक जीवन में हर जीव के कामों पर ही उसके परिणाम निर्भर करते हैं। उदयपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी ऐतिहासिक और पारंपरिक हरियाली अमावस्या के मेले का आगाज हुआ। शहर के फतेह सागर पाल और सहेलियों की बाड़ी में लगने वाली 2 दिवसीय मेले में दूर दराज से आए हुए युवाओं की टोलियों ने जमकर डोलर चक्री और चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। घाटोल क्षेत्र के विलवापाड़ा में NH56 पर तेज रफ्तार सीमेंट से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि कोई हादसा उस वक्त नहीं हुआ। राजसमंद झील में डूबा युवक का शव 2 दिन के बाद बरामद किया गया। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत पुठोल और ग्राम पंचायत सांघट कला में सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही का दंश स्थानीय किसानों को झेलना पड़ा। ठेकेदार की लापरवाही से 22 किसानों के खेत तालाब बन गए। किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंची। बांसवाड़ा में नर्सेस की मांगों के प्रति ध्यान आकर्षण को लेकर समिति के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर NG अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता अजमेर में RPSC के घेराव को लेकर रवाना हुए, जहां भाजपा पदाधिकारी सारणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुई बैठक के बाद अजमेर के लिए रवाना हुए। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का।
चित्तौड़गढ़ के बेंगू में जिला और सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित दौरे पर पहुंचे। इस दौरान न्यायाधीश ने सीजेएम कोर्ट के गेट का लोकार्पण किया, साथ ही कोर्ट परिसर में पौधारोपण भी उनके द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ के अमोलिया में क्रमोन्नत हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय का शुभारंभ हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन द्वारा किया गया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालय क्रमोन्नत किए जा रहे हैं। जयपुर में संविदा कर्मियों के प्रदर्शन पूर्व हुए लाठीचार्ज के विरोध में चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया, साथ ही लाठीचार्ज में घायल हुए संविदा कर्मियों को 1,00,000 रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई। डूंगरपुर के सदर थाना पुलिस ने नंगी तलवार लेकर चलती बाइक पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में चोरी और लूट की बढ़ती वारदातों से जिले भर में भय का माहौल है। बारोठी गांव में बदमाशों ने किराना की दुकान से 1100 रुपए की नकदी और सामान चोरी किया। इसी के साथ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर में NH 48 पर एक गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जहां हादसे में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। वहीं शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। इसके साथ ही पुलिस पोस्टमार्टम को लेकर कार्रवाई कर रही है। डूंगरपुर शहर के वार्ड नंबर 2 के नवाजीरा क्षेत्र की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। वार्ड में पिछले 2 महीने से पेयजल की परेशानियों की वजह से महिलाओं ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। मौके पर आए जनता विभाग के एएन के समक्ष महिलाओं ने आक्रोश बताया, कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग रखी। डूंगरपुर के बिछवाड़ा पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जहां पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुरा बॉर्डर पर टेम्पो से अवैध शराब बरामद की है। शराब को तस्करी कर गुजरात गया ले जाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर में नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सिंग कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। बांसवाड़ा में भाजपा नगर मंडल की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कुशलगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राजसमंद के धोइंदा में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां महाकुंभ के कार्यक्रम के सफल आयोजन पर नगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने युवा ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पालीवाल का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में वृद्ध महिला की दंश से मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला को खेत में काम के दौरान सांप ने डस लिया था, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के खानपुरिया पंचायत की सड़कों की हालत खराब हो गई है। गांव जाने के लिए ग्रामीणों को 1 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। झालावाड़ में पिछले 3 दिनों से बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने को लेकर राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला संगठन प्रभारी छगन महू को सौंपा। 12 में भाजपा ने 18 जुलाई से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडल और बूथ स्तर तक जाएंगे, 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा को करेंगे। इस दौरान सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। भवानी मंडी के भवानेश्वर महादेव मंदिर में भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लाइन में खड़ा होकर दर्शन किए। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हरियाली अमावस पर झांकी सजाई गई। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में छात्रों की परेशानी को लेकर एबीवीपी ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को छात्रों की परेशानी बताई। इस दौरान एबीवीपी ने कोटा विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों को फेल करने का आरोप लगाया, कहा कि परीक्षा परिणाम को सुधार कर पुनः जारी किया जाए।
कोटा के देहात से जिलाध्यक्ष बनने के बाद गांव आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंह ने आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और हर जगह पर भानु प्रताप सिंह का भव्य स्वागत देखने को मिला। कोटा के लाजपुरा में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने खेड़ा रसूलपुर क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका विद्यालय के मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन को निर्देश दिए गए। झालावाड़ के पड़ाव में सांप के काटने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। जहां मृतक महिला को खेत पर सांप ने डस लिया था, जिसकी झालावाड़ चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा पुलिस ने गुमशुदा महिला को नागौड़ से दस्तियाब किया। पुलिस ने बताया कि 8 जुलाई को थाना क्षेत्र की गुराड़िया निवासी महिला बिना बताए अपने किसी परिचित के पास नागौड़ जिले के पादुकला चली गई, जिसे पुलिस ने दस्तियाब कर परिजनों को सौंप दिया। कोटा में टमाटर के भाव से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू की गई है। जहां बाजार में टमाटर 150 से 200 रुपए प्रति किलो के दामों पर मिल रहे हैं, तो वहीं रियायती स्टॉल्स पर 80 रुपए प्रति किलो की रियायती दामों पर टमाटर उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। डिडवारा में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबर छोड़ने के बाद संज्ञान लिया। शहर के मुख्य बाईपास स्थित आरओबी पर लंबे समय से रात में अंधेरा रहता है। अंधेरा होने की वजह से कई बार आरओबी की दीवारों से वाहन टकराकर हादसे के शिकार होते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर आरओबी की लाइटों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा में मिल मजदूरों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए निकला। 26 सदस्यों का यह दल ब्रिको से रवाना हुआ। मजदूर लीडर्स ने दल का अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से अजमेर में आरपीएससी घेराव का कार्यक्रम है। आरपीएससी के घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डीडवाना से भी भाजपा युवा मोर्चा इकाई के कार्यकर्ता अजमेर के लिए रवाना हुए। डिडवाना में लदनिया परिवार की ओर से शीतल कुंड बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन जारी है। कथा श्री राधा कृष्ण महाराज के द्वारा की जा रही है। कथा के पहले दिन दोजराज गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नागौर के डिडवाना में आदर्श विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान का महत्व समझाने के उद्देश्य से मतदान का आयोजन किया गया, जहाँ छात्र छात्राओं को लोकतंत्र में होने वाली चुनाव प्रणाली की जानकारी दी गयी। नागौर की बीरता सिटी में भाजयुमो कार्यकर्ता अजमेर आरबीएससी बोर्ड के घेराव के लिए रवाना हुए। सौरान पेपर लीक के मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सामूहिक रूप से नारेबाजी करते हुए निकले। नागौर के लाडनू में सड़क पर नाला निर्माण के दौरान अनियमितताएं बढ़ती गई, जिसमें जसवंतगढ़ के गांधी चौक में डाबड़ी सड़क मार्ग के मोड़ पर निर्मित नाला 10 दिनों से टूट गया। इस दौरान भारी भ्रष्टाचार के चलते ग्रामीणों ने अनियमितता की जाँच कर दोबारा नाले का निर्माण करवाने की मांग की। नागौर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद उपस्थित अधिकारियों से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली। डॉक्टर यादव ने पदभार ग्रहण करते ही जिला कार्यालयों के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया। पिसांगन उपकरण क्षेत्र ग्राम पंचायत पगारा रामनगर में गोचर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अजमेर कूच किया। लापमन ग्रामीण बस में सवार होकर अजमेर रवाना हुए, जहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर गोचर चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की पुरजोर मांग की। डीडवाना में लदनिया परिवार की ओर से शीतलकुंज बालाजी मंदिर में श्रीमद भगवत कथा का आयोजन होगा। राधा कृष्ण की कथा महाराज जी के द्वारा सुनाई जाएगी। कथा के पहले दिन दोजराज गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नागौर के मिर्जा में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मीरा महोत्सव समिति कार्यकारिणी का नव नियुक्त अध्यक्ष दशरथ सारस्वत नागौर से तबादला होकर आए जेईएन सरफराज अंसारी अधिशासी अधिकारी राम रतन चौधरी का स्वागत किया गया। नागौर में जिला कलेक्टर के द्वारा सभी विभागों को पौधारोपण करने का लक्ष्य दिया। इस दौरान यूनि पुलिस थाने के सामने से पुष्प कुंज में 151 पौधे लगाकर अपना जन्मदिन अनूठी तरीके से मनाया। नागौर के लाडनू में सावन के दूसरे सोमवार को नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालु की अपार भीड़ उमड़ी। वहीं सुबह से ही श्रद्धालु का नीलकंठ महादेव मंदिर में तांता लगा रहा। इस दौरान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। ब्यावर में संत गोपाल राम के सानिध्य में चल रही श्री महापुराण कथा का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इसके बाद समस्त भक्तों के द्वारा 151 दीपकों से श्री भगवान की महाआरती की गई।
नागौर के इंदौखा में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने उसके शव को उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर के जानबल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में एक दिवसीय निःशुल्क सुवर्ण प्राश्रन संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। अजमेर के ब्यावर में दलित समाज के संगठनों ने जोधपुर दुष्कर्म कांड को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान बलात्कारियों को फांसी दिए जाने की मांग की और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किसान केसरी संघ की ओर से एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। 50 वर्षों से निवारसरत लोगों के आवासीय मकानों के पट्टे बनवाने की मांग भी इस दौरान की गई। और चलिए हम नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़ी कस्बे के कायस्थपाड़ा पुलिया के पास अचानक से नशे में धुत होकर आए एक ट्रक चालक ने उत्पात मचा दिया। इस दौरान ट्रक चालक ने नगर पालिका के कचरा वाहन को क्षतिग्रस्त तो किया ही, लेकिन साथ ही डीसीएम गाड़ी को टक्कर मारते हुए सीधे सड़क पर खड़े जानवर की टक्कर मारी, जिससे जानवर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया। भरतपुर के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 12 साल के नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के सरमथुरा रोड पर रामसाहेब ढाबे के पास एक 8 फीट के अजगर सांप निकलने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। वन विभाग को सूचित किया गया। एक घंटे की मशक्कत के बाद वनपाल राजवीर की सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। धौलपुर से करौली होकर दौसा को जोड़ने वाले NH-11B पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हाईवे पर जर्जर अवस्था और उस पर घूम रहे आवारा गोवंश और पशु लगातार दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सड़क पर मौजूद आवारा गोवंश के झुंड ने बाइक सवार मां बेटे को घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली के टोडा भीम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस दौरान अध्यापकों और बच्चों ने मिलकर 31 पौधे लगाए, जिसमें प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। टोडाभी में नरेश मीणा को युवा कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय संयुक्त समन्वयक कांग्रेस का नियुक्त किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के द्वारा नरेश मीणा को समन्वयक नियुक्त किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।